हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप जैसे तुम्हारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में सुबह आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडिगारिस, जहाँ पर आपको फ्री ऑफकॉन मिलता है। तो फाइनली आज की वीडियो में क्या बात कर रहे होंगे, आज की वीडियो में क्लास टेंथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्लास टेंथ मैथ्स स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। ठीक है, टर्म टू के लिए अब हमारे पास कितना महीना बचा हुआ है, 2 महीना बचा हुआ है। ठीक है, 2 से 3 महीने हैं हमारे पास जिनमें हमारे एग्जाम्स आ रहे होंगे, उसके बीच में हमारे यूनिट टेस्ट भी हो रहे होंगे। ठीक है, प्री बोर्ड्स भी अभी आएंगे जनवरी में या फरवरी में, हमारे सेकेंड प्री बोर्ड होंगे। ठीक है, तो हमें मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सम्स हैं पर चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट सम्स को यहाँ पे बताए जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से तुमको वीडियोज तो मिल ही नहीं है, साथ में तुमको बहुत सारी चीज़ें और भी मिल रही है कि फ्री मटेरियल तुमको मिल रहा है। ठीक है, और भी बहुत ही सारी चीज़ें तुमको वहाँ पे मिल रही होंगी। अब उसको क्या करना है, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जल्दी से जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई जल्दी से फॉलो कर लो। ठीक है, क्योंकि कोई भी डाउट हो तो तुमको वहाँ पे बताया जाएगा। चलो, अब सबसे पहली बात आती है हमारी कि सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, देखो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमें उसकी एकदम बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर तुम क्लास टेन में आए तो तुमने ABCD जरूर सीखा होगा ना, तो भाई हमें पढ़ना क्या है, तो पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि पढ़ना हमें क्या, कौन सी चीज़ पढ़नी है, पढ़ना कैसे है, क्या करना, वो तो बात की चीज़ है, पढ़ना क्या है पहले वो तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस की हम। तो सिलेबस में अगर हम देखें, सबसे पहला जो तुम्हारा चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, दूसरा तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, फिर तीसरा तुम्हारा क्या है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, SAT मतलब सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फोर्थ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फिफ्थ, स्टैटिस्टिक्स। सिक्स्थ एंड सेवेंथ, तो सिक्स्थ जो है तुम्हारा, सिक्स्थ सर्कल, सेवेंथ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ओके, तो ये है हमारा सिलेबस, सिलेबस हो गया क्लियर। किसका भैया था सिलेबस ये, टर्म टू का था। किस क्लास का था, क्लास टेंथ का था। ओके, अब बात आती है सिलेबस कंप्लीट हो, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ठीक है, कहाँ से बात करें अगर हम, ठीक है, मैं पढ़ें कहाँ से, तो देखो सिंपल सा रूल है, पहली और आखिरी चीज़ तुम कह दो। ठीक है, जो तुम्हारा NCERT जो हार्ट एंड सोल, तुमको मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, फर्स्ट डे से हार्ट एंड सोल, जितने सम लगा पाओ उतने सम लगाओ। ठीक है, अब इसमें करना क्या, सम तो तुम लगाओगे, बट स्पेशल चीज़ तुमको क्या करनी कि इसमें हर एक एक्सरसाइज से पहले तुमको एग्जाम्पल दिए रहते हैं, हर एक एक्सरसाइज से पहले तुमको एग्जाम्पल दिए रहते हैं। ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल में जितने क्वेश्चन उतने ही टाइप के क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हैं, बस वो अलग अलग तरीके से हैं और ढेर सारे उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुम सोचोगे कि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है तो उसकी टाइप्स तुमको बता दिएगा, उसका वेरिएंट क्या क्या है, मतलब किस किस तरीके से उसको घुमा के पूछा जा सकता है, वो तुमको एक्सरसाइज में मिलने वाला है। ठीक है, तो मेनली तुमको एग्जाम्पल से पता चल रहा है भैया ये चीज़ यूज करनी है, इस तरह हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, इस तरह हमारे क्वेश्चन आ रहे होंगे इस एक्सरसाइज में से, इस फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, बस उससे डर नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल जितने हो पाए उतने करो, जितने क्या मैं करूँ, हर एक एग्जाम्पल को एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज ना करो तुम एग्जाम्पल कर लो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी में एग्जाम्पल में सारी चीज़ तुमको बता दी जाती है, बस उसको अलग अलग तरीके से तुमको एक्सरसाइज में दिया जाता है। ठीक है, NCERT हो गई, अब जब NCERT हो जाए एकदम अच्छी तरीके से, फिर तुम RD शर्मा पे या RS अग्रवाल पे जा सकते हो, जा सकते हो, जाना मत, RD शर्मा या RS अग्रवाल। अगर तुम अभी से ही प्रिपरेशन करो IIT की, नीट किया, किसी के भी, ठीक है, तब तो तुमको ये करना पड़ेगा। मीन्स इसमें क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तुमको मिल जाते हैं, मीन्स एक क्वेश्चन कितना ज़्यादा घुमाया जा सकता है, क्या क्या अलग अलग तरीके से होते हैं, क्योंकि इसमें तुमको IIT के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन भी दे रखे होते हैं कि ये क्वेश्चन इस साल आया था। ठीक है, अगर तुम्हें उस तरीके के क्वेश्चन करने हैं, अगर तुम अभी से प्रिपरेशन करो तो प्लीज़ इस पे ले देना ना। ठीक है, तो ये करना, बट अगर तुम्हें अभी करनी है सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन, ठीक है, बोर्ड अच्छे से निकल जाए, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ NCERT करनी और कुछ नहीं देखना है। ये तो पता चलेगा कहाँ से पढ़ें। ठीक है, और तीसरी चीज़ देखो, इसमें कोई लेक्चर तो देखना नहीं है और कुछ देखना नहीं है, बट अगर तुम्हें कोई नहीं समझ आ रहा तो तुम गूगल पे देख सकते हो कोई सोल्यूशन है। ठीक है, हमारा गूगल है या यूट्यूब पे है, वीडियो के साथ देखना है, समझना है तो उसको यूट्यूब पे देख लो, ऐसे देखना है तो गूगल पे देख लो, वैसे समझ आ जाता है दोनों जगह। ठीक है,
तो ये बात होगी कहाँ से पढ़ें। अब बात है कि भैया आपने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो देखो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक एक लिख के तो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। इसके ऊपर तुमने एक मेरी चाहे तो प्ले लिस्ट पढ़ी है क्लास टेंथ की, ठीक है, मैथ्स की, चैप्टर वाइज उसमें पाँच से छः क्वेश्चन है तुम्हारे चैप्टर वाइज, हर उसमें, हर वीडियो में, हर एक चैप्टर के ऑफ ईच चैप्टर, ठीक है। हर एक चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन है, अगर तुम उनको कर ले तो गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे 90% आराम से आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत चुन चुन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको उसमें बताए गए हैं और वो आएंगे, ठीक है। तो अगर तुमने नहीं देखी है मैथ्स की वो प्लेलिस्ट तो प्लीज़ जाके देख लो, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको दे रखे हैं, हर एक चीज़ दे रखी है। अब बाला जी आज मैं क्या लाऊँ तुम्हारे लिए, तो बेसिकली तुमको क्वेश्चन मैंने दे ही रखे हैं, सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं। मेन तुम्हारी आती है फॉर्मूला शीट होती है, ठीक है, मैथ्स में क्या है मेन हमारा फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूला के कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है। फॉर्मूला शीट एंड थ्योरम शीट जो है वो तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, तो इसको जाके देख लेना पूरे, वहाँ पे हर एक फॉर्मूला, एक भी फॉर्मूला छूटा नहीं है, हर एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला तुमको वहाँ पे दे रखे हैं। बात आती है सैम्पल पेपर की भी हमें करनी होगी स्ट्रैटेजी, भैया ये तो कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि कहाँ से पढ़ें, अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी वैसे मैथ्स में कोई स्ट्रैटेजी वैसे है नहीं, ठीक है, इसमें तो तुमको बेसिकली तुम्हारी प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। बट एक चीज़ है जैसे कि तुम्हारा फॉर्मूला तुमको आना चाहिए सारे, भैया फॉर्मूले आ गए। दूसरा तुम्हारा थ्योरम आनी चाहिए, ठीक है, थ्योरम को डिराइव कैसे करना है वो आ गया। तीसरा तुम्हारा हो गया फॉर्मूला शीट हो गई, थ्योरम हो गया, बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हैं तुम्हारे, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हैं वो हमें आ गए। और चौथा जो है वो सैम्पल पेपर कर लेना, ठीक है, सैम्पल पेपर ऐसे, ठीक है, सैम्पल पेपर कर लेना। अब ये सैम्पल पेपर देखो मैं बता रहा हूँ तुमको, मैंने एक ऑब्जर्व किया है, जब पिछले साल मैं प्रिपरेशन कर रहा था बोर्ड एग्जाम, तो मैंने ऑब्जर्व किया है जो 2011 का पेपर है, ठीक है, मतलब सॉरी 2011 कह रहा हूँ, 2010 का जो पेपर है और 2020 का जो पेपर है बोर्ड का एग्जाम का, 21 में तो हुआ नहीं ना, एकदम सेम, लगभग मेजॉरिटी ऑफ दी 95% या 90% तुम कह दो सेम वही क्वेश्चन। अब तुम 2019 का खोलो और 2009 को खोलो, बगल बगल में रखो, एकदम मैच करेगा 90 to 95। 2008 का खोलो और 18 का करो, फिर मैच करेगा, ठीक है, हर 10 साल पे ये पेपर मैच हो रहा है। अब इसके हिसाब से अगर तुम प्रिपरेशन करो तो तुम्हारी और प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है, ठीक है। और ये मैंने पूरा 2011 से लेके 2020 तक देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया हर 10 साल पे सेम वही क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने बहुत तरीके से ऑब्जर्व किया है। तो तुमको क्या करना है, ये जो मैं तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हूँ फॉर्मूला शीट की, उसमें नीचे तुम्हें वहाँ पर रिड्यूस सिलेबस तो दिया हुआ है, बट वहाँ पर तुमको 2012 का सैम्पल पेपर भी दिया हुआ है, सैम्पल पेपर कह रहा हूँ 2012 का क्वेश्चन पेपर तुमको वहाँ पर दिया हुआ है बोर्ड का, ठीक है, क्वेश्चन पेपर वहाँ पे दिया गया बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर था वो, ठीक है। तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, उसको करना ही करना है, प्लीज़ करके जाओ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर तुम और कुछ नहीं करो कम से कम उसको कर लो और फॉर्मूला शीट देख लो, बस तुम अच्छे से मार्क्स ला सकते हो उस टर्म टू में भी, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, फॉर्मूला शीट देख लेना, बाकी ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने तुम्हें बताई हैं पी बाई, और बुक जो है इंपॉर्टेंट, ठीक है, और बुक कौन कौन सी, तो बुक के लिए मैं तुमको बताया था ओसवाल ले सकते हो, ठीक है, बट इसमें रिफ्रेश की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती मैथ्स की, ठीक है। उसमें भी ओसवाल में भी तुमको वन पेज नोट दिया, थ्योरम दिया एक्सप्लेन करके, सैम्पल पेपर दिया जो कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है, ठीक है। सैम्पल पेपर अगर तुम लगा लोगे ओसवाल के 5 सैम्पल पेपर और सेल्फ असेसमेंट वाले 5, समझो तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई पूरी और कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है। तो सैम्पल पेपर मस्ट है, सैम्पल पेपर किसके करने भैया, ओसवाल के करने हैं, ठीक है। नो स्पॉन्सर्ड वीडियो, ठीक है, स्टॉक मार्क लगा रहा हूँ, नो स्पॉन्सर, ठीक है, स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने देखा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कर सकते हो, तो यही थी स्ट्रैटेजी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है मैथ्स की, ठीक है, जैसे कि बाकी 20 मिनट के 21 मिनट के, ठीक है, तो ज़्यादा लंबी वैसे मैथ्स में ज़्यादा चाहिए है नहीं, बट मेन इंपॉर्टेंट चाहिए, क्योंकि इसमें देखो मैंने इंपॉर्टेंट हम तुमको डिटेल वाइज नहीं बताएं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने तुमको वीडियो में ही बना रखे हैं, ठीक है। तो हर एक चैप्टर की अपनी अलग सेपरेट वीडियो है, तो वो तुम जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तुमको प्लेलिस्ट के लिंक या तो आई बटन पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय भारत, जय हिंद, बाय।